ओएमजी के ही एक एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात कराई थी मिजोरम में रहने वाली इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली से, जिनके 181 सदस्य हैं। पर अब हमें मिली है एक ऐसी फैमिली जिसके 1000 से भी ज्यादा सदस्य हैं। ओएमजी। आइए चलते हैं गुजरात के गांव राजपुरा और मिलते हैं इस फैमिली की मुखिया शांताबेन से। आ भाई, शांताबेन का घर कहाँ है? वो इस तरफ है। छामा चिड़िया वाली शांताबेन का घर उस तरफ है। छामा? क्या? चलो पता लगाते हैं ये क्या है। इस घर को देखकर तो लग नहीं रहा कि यहाँ 1000 लोग रहते होंगे। चलो अंदर चल के देखते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये ओएमजी की स्टोरी से राम सही की हॉरर फिल्म का सेट क्यों बनता जा रहा है? मम्मी! अरे कोई डॉक्टर बुला दो यार, मेरे दिल की धड़कनें क्यों रुक गई हैं? भाई इंसानों का नहीं, ये चमगादड़ों का परिवार निकला और इस परिवार की मुख्य सदस्य हैं शांताबेन। पर क्या मैं अकेला हूँ जिसका कलेजा मुंह को आ गया है, या है कोई और माई का लाल भी जिसकी ये नजारा देख के हालत टाइट हो गई हो? कई बार मैंने बचपन में सुना था उनके बारे में, तो एक बार मैं और मेरे दोस्त देखने गए तो उधर बहुत ज्यादा 200-300 ज्यादा चमगादड़ थे। देख के थोड़ा घबरा गया कि इतने ज्यादा वो कहाँ से रह सकती है उधर। एक भी मुश्किल से रात को निकलते हम देख के डर जाते हैं। चलो मैं एक लौता नमूना तो नहीं हूँ जिसे ये अजीब लगा, पर शांताबेन ने इतने सारे चामा चिड़िया यानी चमगादड़ क्यों पाल रखे? मुझे क्या जरूरत है उनको उड़ाने की, इनमें भी तो जान है। मेरे घर में 2 कमरे उनके लिए हैं, तीसरे में मैं रहती हूँ। क्या बात है दोस्तों, एक मेरे दोस्त जो मुझे दूसरे दिन अपने घर से लात मार कर भगा देते हैं, और एक शांताबेन है जिन्होंने करीब 1000 चमगादड़ों को पनाह दे रखी है। पर सिर्फ एक छत के नीचे रहने से कोई परिवार तो नहीं बन जाता, परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे शांताबेन रखती है। ये अपने चमगादड़ों के कमरे की सफाई करती है, नीम का धुआं देती है, यहाँ तक कि इनसे गुफ्तगू भी करती है। आसपास के लोगों ने पक्के घर बनवा लिए हैं, लेकिन मेरे लिए मिट्टी का घर ही ठीक है। कुछ लोग मेरा घर खरीदने आए थे, मैंने उन्हें नहीं बेचा क्योंकि ये चमगादड़ जो मेरे घर की मिट्टी खाते हैं वो कहाँ जाते। कोई आजकल किसी का नमक खा के उसका वफादार नहीं होता, और ये चमगादड़ मिट्टी खा के इनका परिवार बन गए। क्या बात है दोस्तों, हमारे देश में 128 तरह के चमगादड़ पाए जाते हैं, और हाल ही में इनमें से एक की वजह से केरला में जानलेवा नीपा वायरस फैला था। आइए जानते हैं कि शांताबेन के घर में कौन से चमगादड़ हैं और क्या ये उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो चमगादड़ की प्रजाति है, इसको अंग्रेजी में माउस टेल्ड यानी कि चूहे के जैसे पूंछ वाला चमगादड़ कहते हैं। ये दीवार के ऊपर रेंगते हुए चलते हैं और हवा में उड़ते हुए कीटाणुओं को भक्षण करती है। ये चमगादड़ किसी तरीके का खतरा किसी के लिए नहीं होते हैं, वो अपना गुजारा अपने आप करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये, जहाँ पे कि मानव और किसी वन्य प्राणी का साथ ही, जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ में रहो। ये तो सही है बॉस, शांताबेन को उनके चमगादड़ों से कोई खतरा नहीं है। दोस्तों इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, पहले तो मेरी तरह डरते हैं, फिर उनके मुँह से निकलता है OMG। इन चमगादड़ों को ना सिर्फ अपने घर का बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के शांताबेन ने अतिथि देवो भव फिलोसफी की एक नई मिसाल कायम की है। ये बैट वुमन तो अमेजिंग है।